Hello students, how are you? Hope you are safe at your home. Now students, in this video we discuss about our next exercise. Let's write from lesson number 15. Next is from your writing skill, notice writing. First you know about what is notice writing. Now a notice is meant to give information to people without caring to circulate it individually. Notices are put up at a prominent place from where everybody can read. In a school, you may have a special place for a notice board. In residential colonies, a notice board is generally placed at the entrance gate. Notices may be inserted in newspapers too. So students, what is notice writing? नोटिस राइटिंग नोटिस वो वो चीज़ होती है जिसमें जब हम एक बहुत बड़े ग्रुप को हमको सेम जो मैसेज है वो कन्वे करना रहता है, तब हम इंडिविजुअली उसको सर्कुलेट ना करके उस इन्फॉर्मेशन को नोटिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं. तो नोटिस के लिए नोटिस को जो है वो एक ऐसे प्रोमिनेंट प्लेस पे लगाया जाता है जहां से सभी लोग उसे आसानी से पढ़ सकें. स्कूल्स में नोटिस बोर्ड एक स्पेशल प्लेस होता है, नोटिस बोर्ड जहाँ पर नोटिस पेस्ट होते हैं, जहाँ से बच्चों को जानकारियाँ मिलती हैं स्टूडेंट्स को. रेसिडेंशियल कॉलोनीज जो होती हैं वहाँ पर भी नोटिस बोर्ड होता है और जनरली वो एंट्रेंस गेट पर पाया जाता है जहाँ से लोग एंटर करते हैं और वहाँ पर नोटिस जब देखते हैं तो उनको जो भी जानकारी रहती है वो पता चलती है. और नोटिस जो है वो न्यूज़पेपर में भी इंसर्ट होते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं. नाउ All notices have a few features in common. तो जो सभी notice होते हैं उनमें कुछ जो features होते हैं वो common होते हैं. और वो features क्या हैं? Have a name of institution or agency issuing a notice. Notice में हमेशा जो भी institute या agency notice को issue कर रही है उसका नाम होना चाहिए. Have a heading. Heading होनी चाहिए कि किस चीज का notice है, और notice heading होनी चाहिए कि ये notice है. Are clear, brief and complete. क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट, ब्रीफ मतलब छोटा होना चाहिए और कंप्लीट मतलब पूरा होना चाहिए. आर अट्रैक्टिव, ऐसा होना चाहिए कि लोग आकर्षित हों और वो खुद आकर उसे पढ़ें. आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, गिविंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक द पर्पस, डेट, टाइम एंड वेन्यू. तो उसमें सिंपल लैंग्वेज में यूज होना चाहिए और वो सारी जानकारियां होनी चाहिए जैसे कि पर्पस, उद्देश्य उसका, समय, दिन और जगह, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए. एंड हैव द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन सर्कुलेटिंग द नोटिस. और जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि जो नोटिस को सर्कुलेट कर रहा है, जो नोटिस निकाल रहा है, उस व्यक्ति का नाम और डेजिग्नेशन नोटिस में होना जरूरी है. नाउ हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू, लाइक द क्वेश्चन ऑफ दैट एग्जाम्पल इज Now read the following notice which the sports secretary of government model school has put up on his school notice board. Government model school के sports secretary ने एक notice issue किया है, वो आपको एक format given है उसमें. Here you see that notice is write in a rectangular box. Here the name of institution who issue the notice, then heading. The inter-school cricket tournament will begin from 10th January 2017. Matches will be played after school between 3 p.m. to 5 p.m. All boys aged between 12 and 14 who wish to play may give their names to the secretary latest by 25th December 2016. Sports secretary, and this notice is issued on 10th दिसंबर. यहां पर आपको सारी जानकारी दी गई है कि इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है 10 जनवरी को, मैच जो है वो स्कूल में खेले जाएंगे 3 से 5. तो जो भी बच्चे 12 से 14 ईयर्स की एज में ये खेलना चाहते हैं तो अपने नाम जो है वो सेक्रेटरी के पास 25 तारीख तक लिखवा दें. तो यहां पर लास्ट में डेजिग्नेशन लिखा हुआ है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और जिस दिन आपको नोटिस इशू किया गया उसकी डेट है. Now here one more question for you.
Like your school has arranged an educational tour to Indira Gandhi Rashtri Manav Sangrahalaya on 1st Feb 2014. You are Arif Khan, the head boy of your school. Write a notice for your school notice board inviting the students to participate in the tour. Here students, this format is given to you. Your box pehle se given hai. Yahan par notice likha hua hai. To aap iske upar jo aapka institute hai uska naam likhenge. Here the notice start with the school has arranged an educational tour to Indira Gandhi Rashtri Manav Sangrahalaya on 1st Feb 2017. All the students who are interested should give their names to the head boy by 28th January 2017. Arif Khan, head boy, or this notice is issued on 24th January 2017. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि स्कूल क्या अरेंज कर रहा है, एजुकेशनल टूर कितनी तारीख को, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना नाम किसके पास जमा करना और कितनी तारीख तक. तो ये सारी जानकारियाँ हम नोटिस में मेंशन करते हैं कि पर्पस क्या है, डेट क्या है, डे क्या है, वेन्यू क्या है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखकर नोटिस को लिखना है. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दिस नोटिस इन योर नोटबुक.